मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। चाकू घोप कर युवक की हत्या, खदान परिसर में मची खलबली। रास्ते का निर्माण कार्य पूरी करने की मांग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रास्ता रोको। विशेष दस्ता पुलिस की कार्रवाई, गुटखा से जा रहा ट्रक किया जब्त। घाटी के चलते मोबाइल बिल में होगी बढ़ोतरी, अगले वर्ष के आरंभ में नागरिकों को मिलेगा पैसा। और तापमान बढ़ने से अचानक गायब हो रही है ठंड। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। अब समाचार विस्तार से। खदान परिसर में चाकू घोप कर एक युवक की हत्या होने के कारण पूरे परिसर में खलबली मच गई है। खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले बेगम मंजिल के पास चाकू घोप कर युवक की हत्या होने की घटना के कारण पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है। खदान निवासी शेख हसन शेख बशीर नामक युवक पर शराब को लेकर इरशाद खान ईरान खान ने चाकू से हमला किया। हमला करने के बाद आरोपी इरशाद खान घटनास्थल से फरार हो गया था। घायल अवस्था में पड़े शेख हसन को सर्वोपचार अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल करवाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी की शिकायत पर खदान पुलिस ने आरोपी इरशाद खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन आरम्भ की। पुलिस ने 3 घंटे के भीतर आरोपी का सिने स्टाइल पीछा कर गिरफ्तार किया। आगे की जांच खदान पुलिस स्टेशन के थानेदार डीसी खंडेराव के मार्गदर्शन में पुलिस कर रही है। रास्ते का आधा अधूरा काम निर्माण कार्य की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। शहर में मुख्य रास्तों का कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य बीते वर्ष से लगातार जारी है, लेकिन कछुआ गति से काम होने के कारण लोगों का सिरदर्द बढ़ गया है। शहर के सिटी कोतवाली से लेकर शिवाजी महाविद्यालय तक के रास्ते का कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस रास्ते का आधा अधूरा काम होने के बाद काम बंद पड़ा है, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। पूरे रास्ते पर धूल इकट्ठा हो गई है। नागरिक धूल तथा गड्ढों के मार्ग से जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये देखते हुए इस रास्ते का निर्माण कार्य जल्द से जल्द आरंभ कर नागरिकों को निजात दिलाने के लिए कांग्रेस की ओर से रास्ता रोको किया गया था। महापालिका के विरोधी पक्ष नेता पार्षद साजिद खान पठान के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। पुलिस आने के बाद भी ये आंदोलनकर्ता वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते आंदोलनकर्ताओं की मांग को देखते हुए सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अभियंता को बुलाया गया। अभियंता द्वारा रास्ता पूरा करने के लिए लिखित आश्वासन दिया गया, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन खत्म किया। रास्ते का निर्माण कार्य अगर पूरा नहीं किया जाएगा तब जिले के सांसद विधायक और महापौर के घर के सामने आंदोलन करने की चेतावनी पार्षद साजिद खान पठान ने दी। आज अकोला शहर के अंदर पूरा शहर गड्ढों से भरा हुआ है। तिलक रोड के ऊपर मानिक टाकिस के सामने लकड़गंज को जाने के लिए जो रास्ता है, जानबूझकर ये रास्ता रोका गया, आधा रास्ता बना आधा रास्ता छोड़ दिया और इसका पेमेंट भी निकल गया। ये यहाँ ये बीएनसी वाले यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुझे ये बोलना है चैनल के माध्यम से कि इस शहर का आमदार, इस शहर के खासदार, क्या वो लोग सो रहे हैं क्या? और यहाँ महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है, क्या वो रोड से गुजरते नहीं है? ये आम जनता का ये मुख्य रास्ता है। संत त्यौहार के वजह से हमने आंदोलन नहीं किया था, लेकिन दिवाली एक त्यौहार बड़ा त्यौहार था, इसलिए आंदोलन से रुके हुए थे। अगर ये कल तक रास्ता चालू नहीं हुआ तो ये आंदोलन यहाँ के आमदार और खासदार और यहाँ के महापौर के घर के सामने होगा। ये चेतावनी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। विशेष दस्ता पुलिस ने एक टाटा एस वाहन पर कार्रवाई कर लाखों रुपए मूल्य के गुटखे का माल बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष पुलिस दस्ते द्वारा जिले के अवैध व्यवसायियों पर एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही है, जिसके चलते अवैध व्यवसायियों की धड़कनें बढ़ गई है। विशेष दस्ते के निरीक्षक विलास पाटिल को एक टाटा वाहन में गुटखा भरकर आने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मुर्तिजापुर शहर के रेल स्थान के पास जाल बिछाकर इस टाटा एसीएस वाहन को रोककर इस ट्रक की जांच की, तब इस ट्रक में प्रतिबंधित गुटखे का माल पाया गया। पुलिस ने वाहन और पानबहार नामक गुटखे से भरी 12 बड़ी थैलियां जब्त की। वाहन समेत कुल 10,63,800 रुपयों का माल पुलिस ने बरामद करते हुए चालक विशाल राजेश घोरसले को गिरफ्तार कर लिया है। घाटे के चलते अगले वर्ष के आरंभ में मोबाइल कंपनियां मोबाइल में 15 से 20% की बढ़ोतरी कर नागरिकों को झटका देने की तैयारी कर रही है।
कोरोना महामारी, लॉकडाउन तथा बेरोजगारी से त्रस्त हुए नागरिकों को अब मोबाइल कंपनियां जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी कर रही है। घाटे के चलते मोबाइल कंपनियां ये अप्रिय निर्णय ले सकती है। नए साल में 15-20% तक मोबाइल फोन का बिल बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल कंपनियां साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में टैरिफ में 15-20% की बढ़ोतरी करना चाहती है। कंपनियों का कहना है कि घाटे के चलते वे ऐसा करने पर मजबूर है। इस कारण कोरोना महामारी, लॉकडाउन और बढ़ती बेरोजगारी, साथ ही महंगाई से त्रस्त नागरिकों को अब बढ़ते मोबाइल बिल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आसमान में छाए बादल और तापमान में हो रही बढ़ोतरी के चलते अब ठंड धीरे धीरे गायब होने लगी है। विगत सप्ताह अकोला जिले में तेजी से तापमान गिरा, जिससे ठंड बढ़ गई थी। ठिठुरन की वजह से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ा था, साथ ही अलाव भी चलने लगे थे, लेकिन एकाएक मौसम में आए बदलाव के कारण ठंड गायब हो गई है। तापमान फिर बढ़ गया है। दोपहर का अधिकतम तापमान बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम बदलने के कारण आसमान में हल्के बादल छाए हैं, जिससे ठंड गायब हो गई है। दशहरे के बाद अकोला जिले में ठंड बढ़ने लगी थी। तापमान गिरते हुए 12.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण ठंड धीरे धीरे गायब हो रही है। कोरोना की नियमावली के पालन पर श्री शेगांव आने वाले भक्तों को अब दर्शन के लिए ई पास लेना अनिवार्य किया गया है। कोरोना संक्रमण ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया। ईश्वर के प्रार्थना स्थल भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने मंदिरों के पट भी बंद करवा दिए थे। सोमवार से मंदिर खोलने के सरकार के फैसले के बाद विदर्भ की पंडरी के रूप में विख्यात शेगांव स्थित श्री संत गजानन महाराज मंदिर 17 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन भीड़ से बचने और संक्रमण के खतरे को टालने के लिए मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए ई पास की सुविधा शुरू की है। ई पास हासिल करने वाले भक्त श्री के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन अब दर्शन के लिए भक्तों को मंदिर प्रशासन द्वारा जारी लिंक पर ई पास बनाना होगा। ई पास के लिंक खोलकर आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला, तहसील आदि की जानकारी देनी होगी। इसके बाद इच्छुक भक्त अपनी सुविधा के अनुरूप तारीख चुनते हैं, तो उसमें सुबह से शाम के बीच एक एक घंटे की समय सारिणी बनी है, उसे चुनने के बाद ही ई पास तैयार होगा। भक्तों को तय तारीख एवं निर्धारित समय में ही श्री के दर्शन करने होंगे। हर दिन मंदिर में आने वालों की संख्या हजारों में होती है। इसके मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए ई पास की पहल पर जोर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दस्ता पुलिस ने 3 जुआरी समेत 2 अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष पुलिस दल ने अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी तथा जुआ खेलने वाले 3 जुआरियों को धर दबोचा। खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले विद्रूपा नदी के किनारे 52 पत्तों पर जुआ खेलने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 22,360 रुपयों का माल जब्त किया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई सिविल लाइन पुलिस थाने की हद में आने वाली छोटी उमरी और खदान पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले राजीव मल्हार होटल के समीप की गई। पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले नितेश महादेव इंगले और प्रशांत अरुण इंगले नामक आरोपियों से 2,450 रुपयों की शराब की बोतलें और अविनाश पंडरी वानखड़े से 1,352 रुपयों का शराब का माल जब्त किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचारों में वक्त चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। बीस वर्षों में 7वीं बार सीएम बने नीतीश, सुशासन कुमार ने रचा इतिहास, 14 अन्य विधायक बने मंत्री। जलाशयों के किनारे छठ पूजा पर बैन, कोविड के चलते झारखंड सरकार के निर्देश, संगीत कार्यक्रमों के आयोजन पर भी बैन। रहे रतनलाल बाफना, स्वर्ग नगरी जलगांव का नाम देश में किया रोशन, उद्योग व सामाजिक जगत में फैली शोक की लहर। शहीद भूषण सतई का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार, शहीद ऋषिकेश जोंदले को श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़, भारत माता की जय घोष के लगे नारे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी कोरोना संक्रमित, तिवारी ने ट्वीट कर दी जानकारी, तिवारी पर दिल्ली में चल रहा उपचार। मीडिया ने असाधारण सेवा की, मोदी ने की मीडिया की तारीफ, कहा भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया मीडिया ने।
जलगांव दुनिया का दौरा करेंगे शरद पवार, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साधेंगे संवाद। पिछले महीने मराठवाड़ा का किया था दौरा। फास्टैग ने बचाया समय, राजस्व की वसूली बढ़ी, 28% अधिक टोल वसूली। मौजूदा माहौल में साइबर हमले बढ़े, चीन बन रहा है बड़ी चुनौती, 4 लाख से भी अधिक मालवेयर सक्रिय। मोदी ने किया स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण, वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश, आमजन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। केदारनाथ में घंटों फंसे रहे योगी व रावत, बर्फबारी के कारण नहीं उड़ा हेलीकॉप्टर, मंगलवार को बद्रीनाथ जाएंगे योगी। गुपकार गठबंधन में कांग्रेस शामिल, शामिल होने पर भड़की भाजपा, कहा ये गुपकार है या गुप्तचर। दिवंगत डॉक्टर श्रीराम लागू का जन्मदिन, मराठी रंगमंच की दुनिया के नट सम्राट थे डॉक्टर लागू, वे ईश्वर को नहीं मानते थे। कॉमेडी फिल्म के लिए 100 करोड़ लेंगे अक्षय कुमार, जैकी और वासु भगनानी बना रहे हैं फिल्म, अगले साल जुलाई में होगी शूटिंग। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मुकाबला, पहले मैच के बाद भारत लौटेंगे विराट, टीम पेन ने कहा विराट की अनुपस्थिति से नहीं पड़ेगा अंतर। गुणेश्वरन अटलांटिक चैंपियनशिप हारे, 5वीं बार चैलेंजर का फाइनल गवाया, अमेरिका के डेनिस कुल्ला ने हराया गुणेश्वरन को। इरफान पठान पहुंचे श्रीलंका, लंका प्रीमियर लीग खेलेंगे इरफान, इरफान कैंडी टीम में शामिल। अब अंत में डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। चाकू घोप कर युवक की हत्या, खदान परिसर में मची खलबली, रास्ते का निर्माण कार्य पूरी करने की मांग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रास्ता रोको। विशेष दस्ता पुलिस की कार्रवाई, गुटखा से जा रहा ट्रक किया जब्त, घाटी के चलते मोबाइल बिल में होगी बढ़ोतरी, अगले वर्ष के आरंभ में नागरिकों को मिलेगा तोहफा। और तापमान बढ़ने से अचानक गायब हो रही है ठंड। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी सिटी जंक्शन न्यूज में, तब तक के लिए नमस्कार।